हरिबो जय जय राधा रमण हरिबो। आप लोग भी जाते हो? हाँ ना तो बोलो। नहीं, बहुत कम लोग नहीं बोल रहे, मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो जाते ही होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। महाराज राजा परीक्षित का जो बालक था, बड़ा उत्सव मनाया गया। आगे कहते हैं, अर्जुन जब लौट के आया, महाराज युधिष्ठिर को पता लगा कि भगवान का स्वधाम गमन हो गया है। तुरंत, अरे भगवान चले गए, अब इस धराधाम पे हम लोग रह के क्या करेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को तुरंत राज्य में अभिषिक्त कर दिया और महाराज स्वर्गारोहण करते हुए अपने धाम को चले जाते हैं। द्रौपदी भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेती है। राजा परीक्षित, अभी विवाह भी नहीं हुआ था जब उनको राजा बना दिया गया, और उनके जो दादा हैं, क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर, दादा, दादा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाबा बोलते हैं नहीं, और बाबा क्यों बोलते हैं जानते हैं? आपका पौत्र ग्रैंडसन आपको बाबा क्यों बोलता है मालूम है? वो जो रोटी राम बाबा कहते थे, जब घर में कोई बाबा बोलने वाला आ जाए तो वो रोज 10 बार याद दिलाता है कि अब बाबा बनने का समय, बाबा बनने का। वो कई बार, हाँ, ग्रीन सिग्नल है ठाकुर जी की तरफ से, जब घर में बाबा कहने वाला आ जाए तो दिन में 10 बार बोलेगा बाबा बाबा। और हमको आप लोग क्या बोलते हो? बाबा जी, बाबा जी बोलते हो ना। और आपके घर में जब आपको कोई बाबा जी बोलता है तो मतलब क्या है उसका? क्यों निधिपति जी? चलिए कोई बात नहीं, आप घर में रह के भजन करें, लेकिन अभिप्राय क्या है? हाँ, धीरे धीरे बच्चों को संभलाओ, बहुओं को संभलाओ, लास्ट तक अपनी चाबी अपने बगल में मत रखो। अगर विश्वास नहीं है तो अपना जितना जरूरत है अपनी सिक्योरिटी रख लो, बाकी भजन करो, साधन करो। हाँ, तो कहते हैं, लोग कहते हैं अभी कैसे भजन करें, अरे इतना बड़ा साम्राज्य था, परीक्षित का विवाह भी नहीं हुआ था, सब छोड़ करके चले गए, उसको राजा बना दिया परीक्षित ने। महाराज, हाँ, उसका विवाह होता है, सारे राज्यों के दिग्विजय करता हुआ जब निकलता है, एक दृश्य देखता है, क्या, एक गाय और एक बैल रो रहे। ये बैल जो है ये धर्म का प्रतीक है, धर्म का, गैया भूदेवी पृथ्वी की प्रतीक है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के जाने के बाद अब हमारा पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ, राजा परीक्षित का राज, और एक राजा का वेश बनाए हुए व्यक्ति दोनों को डंडे से और लात से मारता है। राजा परीक्षित ने पहले उसको डांटा, वो कलयुग था, कलयुग, जो बैल और गैया को मार रहा था वो कलयुग था। राजा परीक्षित ने पहले डांटा, दुष्ट, श्री कृष्ण के भक्त के राज्य में तू कौन है जो गरीब लोगों को सता रहा है? जो गरीब लोगों को सताता है वो देवता नहीं हो सकता है, वो दैत्य होता है, वो असुर होता है, कौन है तू? वो तो घबराया कलयुग। महाराज धर्मराज जो बैल है उससे पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं कष्ट तो अपने कर्म से मिलता है, कोई किसी को कष्ट नहीं देता, वो कह सकता था इसने मारा हमको, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है हमको अगर कुछ कष्ट मिल रहा है तो हमारे पिछले कर्म का फल है, हमको अच्छा बेटा मिला है तो हमारे पुण्य का फल है, और हमको खराब बेटा मिला है तो हमारे पाप का फल है। हाँ, बेटे को दोष ज़्यादा मत लगाओ, हमारा प्रारब्ध हमको दुख सुख देता है। अरे रोज रामायण में पढ़ते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म के अनुसार हमको पति मिलता है, बेटा मिलता है, पत्नी मिलती है, हाँ, सब कुछ अपने कर्म का फल होता है। धर्मराज, बैल ने भी यही जवाब दिया, महाराज इसने नहीं मारा है तो मेरे कर्म का फल है, मैं दुखी हूँ। महाराज राजा परीक्षित समझ गए ऐसा जवाब तो धर्मराज ही दे सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता है। तलवार निकाली, दुष्ट कहीं का, इतने सुंदर ये दोनों हैं, इनको तो कष्ट दे रहा है, तलवार निकाल के मारने को दौड़े, वो भागा, कलयुग भागा। भागते भागते अब जाए कहाँ, जहाँ जाए वहीं महाराज, राजा परीक्षित पीछे आके चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो। और कलयुग कहता है महाराज राजा का एक कर्तव्य है कि जो चरणों में आ जाए उसकी रक्षा करना चाहिए, तो आप मेरी रक्षा करो, मैं आपके चरणों में आ गया। राजा परीक्षित बड़े धर्म संकट में पड़ गए, अब क्या करूं, इसको रक्षा करूं तो समस्या, मारूं तो समस्या, अब यह शरण में आ गया। राजा परीक्षित ने एक शर्त रख दी,
तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा तो मैं तेरे को मृत्युदंड नहीं दूंगा। कलयुग को बोला। कलयुग भी बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा आप अपनी सीमा बता दीजिए कि आपकी सीमा कहाँ तक है, उसके बाहर मैं चला जाऊं। राजा परीक्षित की सीमा सारे विश्व में थी, एक छत्र राज्य था, कहाँ जाए। राजा परीक्षित को सोचना पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ स्थान तेरे को दे देता हूँ, वहाँ तू रहना। चार स्थान मिले कलयुग को, देखो कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। द्युतम, जहाँ जुआ लोग खेलते हैं, जुआ, वहाँ कलयुग रहता है। जुआ जानते हो आप लोग, जानते हो, खेलते हो? दिवाली वाली में तो खेलते ही होगे थोड़ा बहुत, देखो हमको सब पता है। हाँ बोलो या ना बोलो, अच्छी बात है, नहीं खेलते हो तो बड़ी खुशी की बात है, और खेलो तो बहुत ज़्यादा नहीं खेलना, दिवाली वाली की बात अलग है, यद्यपि मना है हमारे धर्म ग्रंथों में। अरे जुआ के कारण ही पांडवों का विनाश होने वाला था, अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो सब कुछ चला गया था। जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग रहता है। पहला स्थान द्युतम पानम, शराब, जहाँ लोग शराब पीते हैं वहाँ कलयुग का निवास होता है। शराब के नशे में शरीर खराब होता है, मन खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, परिवार खराब होता है। इसलिए अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, और अगर पीते हैं तो आज लाजपत भवन में भगवान की कथा में छोड़ने का संकल्प ले लो, अच्छी बात है कि नहीं। ताली तो बजा रहे हो लेकिन छोड़ना पड़ेगा। अच्छी बात है। हाँ उससे फायदा क्या है, लोग टेंशन को दबाने के लिए शराब पीते, लेकिन जब नशा उतर जाता है तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, फर्क क्या पड़ता है। हाँ शरीर लोग फॉरेनर्स लोग शराब पीते थे, वहाँ ठंडी इतनी होती थी, माइनस में टेम्परेचर चला जाता था, शरीर को गर्म रखने के लिए उसकी वो ज़रूरत है, दवा के रूप में ठीक है, लेकिन अब यहाँ तो इतनी भयंकर गर्मी, 40 डिग्री 45 डिग्री में शराब पिए जा रहे हैं, वहाँ कौन ठंडी लग रही भाई। तो इसीलिए शराब नहीं पीना चाहिए। शराब हर तरह से, जानते हो हमारे गुरु जी बम्बई में, कल्पना जी को शायद स्मरण होगा, वो संस्मरण की नहीं है, किसी के घर गए थे, महाराज जी के शिष्य ही थे और नेपिंसी रोड में ही रहते थे, उनका बेटा बड़ा शराबी था, और गुरु जी गए तब भी वो शराब पी के ही घर में बैठा था। जब गुरु जी गए तो जानते हो क्या कहता है, स्वामी जी आपने कभी लिया? महाराज जी को कहता है अरे नहीं लिया तो आप क्या समझोगे इसका आनंद। हाँ अब वो शराब के नशे में था, महाराज जी भी हंसने लगे, अब उसकी बात पे क्या भरोसा, क्या ध्यान दिया जाए, जो नशे में बैठा है उसको समझ ही नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो शराब जो है बुद्धि को खराब करती है, शरीर को खराब करती है, पैसे को खराब करती है, परिवार को खराब करती है, इससे फायदा क्या है। लीवर में जितना ज़्यादा इफेक्ट इसका गलत इफेक्ट होता है, किडनी में इफेक्ट होता है, कहाँ का इसका फायदा क्या हमको समझ नहीं आता है। तो शराब में कलयुग रहता है। द्युतम पानम स्त्रियः, उल्टा स्त्री पुरुष, चरित्रहीन स्त्री पुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी कलयुग का निवास होता है, झगड़ा होता है, झमेला होता है। हाँ कितने झगड़े आजकल होते हैं महाराज, और महाराज सुना, बिना कारण जो हिंसा करता है, बिना कारण गाली गलौज करके बात करता है, आदत पड़ जाती है मारपीट करने की, आदत, हाँ आदत हो जाती। बड़ौदा में दो भाई हैं अभी, अब तो बड़े हो गए हैं। उन्होंने बताया जब वो दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, एक क्लास आगे पीछे थे, बड़े भाई की आदत थी कि रोज़ किसी की पिटाई करना, वो नेचर था उसका। अब एक दिन कोई कारण मिला नहीं कि किसकी पिटाई करे, छोटा भाई उधर से आ रहा था, क्लास छूटा था, छोटे भाई से कहा देखो वो लड़का आ रहा है ना, वो जब इधर मेरे पास आवे तो तू यहीं खड़ा हो जा और तू कह देना कि तूने मेरा पेन क्यों लिया। वो छोटा भाई बोला कि इसने मेरा पेन तो नहीं लिया, मैं कैसे बोलूँगा। बोले नहीं बोलना है क्योंकि मेरे को उसको पीटना है, आज कोई मिला नहीं पीटने के लिए, तू बोलेगा वैसे मैं उसकी पिटाई करूँगा। तो बोला मैं कैसे बोलूँ जब उसने नहीं लिया। तो जानते उसने क्या कहा, बड़े भाई ने कहा कि अब निर्णय तू कर ले, अगर तू बोल देगा कि उसने पेन लिया है तब तो वो पिटेगा। आप समझ गए, नहीं बोला तो तू पिटेगा, मेरे को तो पीटने से मतलब है, मेरा आदत एक न एक व्यक्ति को मेरे को पीटना, इसका नाम है कलयुग। हाँ अकारण गाली गलौज करना, अकारण पिटाई करना, इसका नाम है कलयुग। चार स्थान कलयुग को दे दिए, तो यहाँ रहना। हाँ। कलयुग ने देखा कि भाई
ये चारों स्थान राजा परीक्षित के राज्य में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कलयुग का प्रारंभ था, भगवान कृष्ण का कुछ दिन पहले ही स्वधामगम, बड़ा अच्छा राज्य था, कहीं जुआ नहीं होता था, कहीं लोग शराब नहीं पीते थे, चरित्रहीन लोग कहीं नहीं थे, गाली गलौज कोई नहीं करता था। कलयुग बोला, महाराज अब मैं कहाँ रहूँ, ये तो कहीं है ही नहीं, एकाध स्थान और दीजिए। अब वो भगवान की लीला, कलयुग को रहना था। राजा परीक्षित के मुख से निकल गया जातमान, महाराज कह पुनश्च याचमान आय जात रूपम अदात प्रभु, सोने में निवास करना एक स्थान और दे दिया, गोल्ड संपत्ति। यहाँ सोना तो एक उत्प्रेक्षा है, लेकिन यहाँ पर मूल है संपत्ति, सोने में कलयुग का निवास। कलयुग बड़ा प्रसन्न, क्यों, ये तो राज्य से निकालना चाहते थे, अब तो घर घर में रहूँगा, सबके पास सोना है, यहाँ भी सब लोग पहने ही होंगे थोड़ा बहुत, पहने कि नहीं पहने, थोड़ा बहुत तो हम भी पहने हुए। तो बोले सोने में कलयुग का निवास, अब इसमें थोड़ा विचार करना है। ग्यारहवें अध्याय में भगवान की विभूति में आता है, भागवत में ग्यारहवें स्कंध में, कि धातुओं में सोना मैं हूँ, सबसे पवित्र धातु सोना है। सोने का बर्तन हवा से शुद्ध होता है, पानी भी नहीं डालो तो भी शुद्ध हो जाएगा। चांदी का बर्तन पानी से धोने से शुद्ध हो जाता है, स्टील का बर्तन मिट्टी लगाने से शुद्ध होता है, और लकड़ी और कांच का बर्तन मिट्टी लगाने के बाद भी शुद्ध नहीं होता है, ये हमारे धर्म के अनुसार। तो सोना इतना पवित्र धातु है, भगवान कृष्ण कहते हैं धातुओं में सोना मैं हूँ। तो अब यहाँ पर विचार करना पड़ेगा कि सोने में श्री कृष्ण का निवास है कि कलयुग का निवास। तो हमारे गुरु जी बड़ा सुंदर समाधान करते हैं, बोले जो एक नंबर का सोना है उसमें श्री कृष्ण का निवास है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप तो व्यापारी हैं, सब व्यापार करते हैं, माने एक नंबर का ईमानदारी की कमाई की जो संपत्ति है वहाँ कृष्ण का निवास है, और दो नंबर वाले में किसका निवास, सारे झमेले तो दो नंबर को लेके ही होते हैं। और जानते हो एक बार मैं सूरत गया तो वहाँ लोग ब्लैक और वाइट नहीं बोलते, ब्लैक मनी वाइट मनी नहीं बोलते। जब किसी को कैश मंगाना होता है ना तो फ़ोन पे पूछते हैं कि राम जी वाला भेजूं कि कृष्ण जी वाला। अरे लोगों के कोड वर्ड आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई रिकॉर्ड भी करना चाहे तो समझेगा नहीं क्या बोल रहा है। बोले राम जी वाला भेजो के कृष्ण जी वाला, अब आप समझ गए होंगे ना। तो अभिप्राय तो ये जो महाराज कहने का अर्थ क्या है कि जो अन्याय की संपत्ति है, दूसरों के हक की संपत्ति है, उसमें कलयुग का निवास है, और आपकी अपनी जो संपत्ति है ईमानदारी की संपत्ति है उसमें भगवान का निवास है। अब महाराज कलयुग रहने लग गया, और उसके बाद राजा परीक्षित एक दिन गए थे शिकार खेलने, लोगों से भटक गए, प्यास लगी हुई थी, एक महात्मा को देखा कुटिया में, ध्यान लगा के महात्मा बैठे। राजा परीक्षित के मन में आया ये महात्मा मेरे को देख करके ध्यान लगा लिया कि मेरे को उठना ना पड़े, पानी ना पूछना पड़े, इसलिए ध्यान लगा, जरा परीक्षा करूं। ये बाबा जियों के भी लोग परीक्षा करते रहते ओ जा करके मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया कि झूठी समाधि होगी तो चौंक जाएगा, लेकिन वो समाधि तो सच्ची थी, महात्मा तो हिले नहीं। राजा परीक्षित वहाँ से चले गए। कुछ बच्चों ने जा करके उस महात्मा का जो बालक था, ऋषि थे पहले, ऋषि लोग गृहस्थ होते थे, वो ऋषि का बालक खेल रहा था नदी के किनारे, उसको महाराज बता दिया तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। वो इतना क्रोधित हुआ, हाथ में जल लेकर के शाप दे दिया, जिस उदंड राजा ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है यही सर्प आज से सातवें दिन तक्षक बन करके राजा परीक्षित को डस लेगा और उनकी मौत हो जाएगी। मौत का शाप दे दिया। राजा परीक्षित को जब इसका पता लगा, सूचना मिली, थोड़ा प्रसन्न हुए, मौत की सूचना से प्रसन्न हो गए, बड़ी विलक्षण बात है। क्यों, क्योंकि राजा परीक्षित जब युवा थे, अभी युवा ही हैं, जब शाप मिल गया अपने बच्चों को बुला के रोज कहते थे, चार बेटे थे इनके, रोज कहते थे बच्चों अब राजपाठ तुम संभालो, मैं गंगा किनारे जा करके फिर भजन करूंगा, और जिसका दर्शन मैंने गर्भ के अंदर किया था उसका एक बार दर्शन फिर करूंगा, श्री कृष्ण का दर्शन करना है। लेकिन बच्चे कहते थे नहीं पिताजी, राज्य तो आप ही संभालेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। कितना फर्क था 5000 साल पहले और अभी में।
पहले पिताजी कहते थे बच्चों तुम संभालो अब हम भजन करेंगे, बच्चे नहीं मानते थे। आज बच्चे कहते हैं पिताजी आप भजन करो हम संभाल लेंगे, पिताजी नहीं मानते पिताजी नहीं मानते। बच्चे कहते हैं आपके कुटिया बनवा दें, वृंदावन में कमरा बनवा दें, आप भजन करो हम संभाल लेंगे, पिताजी नहीं मानते। हाँ, अब आज राजा परीक्षित को सूचना मिली कि शाप मिल गया है कि 7 दिन से ज़्यादा मैं रहने वाला नहीं हूँ। प्रसन्न क्यों हुए? आज ही सभा बुलाऊंगा, बड़े बच्चे को राज्य दे दूंगा और 7 दिन में ऐसी साधना करूंगा कि श्री कृष्ण का पुनः दर्शन कर लूंगा। हाँ, अब मेरे को कोई रोक नहीं सकता। और वही किया, सभा बुला करके आधे दिन में राज्य दे दिया अपने बड़े बेटे को जन्मेजय को और चले गए गंगा किनारे हस्तिनापुर से शुकताल में जहाँ गंगा जी हैं वहाँ बैठ गए। बड़े बड़े महात्मा लोग आकर के घेर लिए, बड़े धर्मात्मा राजा थे। कथा प्रारंभ होने वाली ही थी, भगवान कृष्ण ने फिर कृपा की और ऐसे वक्ता भेज दिए जो आज तक किसी को नहीं मिले थे। 16 साल की जिनकी अवस्था, सांवरा शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं, शरीर पर कपड़ा नहीं दिगंबर, सिंह का जैसा वक्षस्थल, शंख की जैसे ग्रीवा गर्दन और महाराज एक मस्ती एक खुमारी चेहरे पर, आत्मसंतुष्ट धीरे धीरे भागवत के श्लोकों का पाठ कर रहे थे। जिनके जीवन में कोई चाह शेष नहीं थी, कामना शेष नहीं थी, ऐसे सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, सब लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। अब 2 मिनट में सुखदेव जी का पूजन होगा और उसके बाद भजन होगा, फिर आगे की कथा होगी। हमारे अभिषेक जी आ जाएं 2 मिनट के और वर्षा साथ में। सुखदेव जी के आगमन का पूजन होगा, भजन होगा, फिर आगे की कथा होगी। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्यपुष्टाम करेषुने मे श्रीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियाम् अक्षन्नमे मदन्तजो प्रियाधूकतोस्तोकतुशुभानौ प्राणमिष्ठ्यामतेजोजान्विन्द्रते हरे माल्यादीन सुगन्धीनि मालत्यादीन वैप्रहो मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां नमस्करोमि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा ओं मा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढमस्य पाग्सोरे स्वाहा। भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादृशां नित्यपुष्टां करेष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रिया। ओं मा औषधी प्रतिमोदम पवती प्रसूवरी अश्वा इव शरीर्वीरुद पारैष्णव नमस्करोमि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की।
थोड़ा आप भजन करें और उसके बाद आगे की कथा हो। जिस जीवन में मिला सत्य संग है, जिस जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। आप सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए श्री राधे। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसे जीवन में मिला सत्संग 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 है, हाँ उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत को पहचानो, तत्व क्या है उसका चौरासी कट जाए फंद है, उसका फंद है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जीवन में मिला सत्संग है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे।
जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में है हो, रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे घर घड़ी आनंद है आनंद है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है आनंद है। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंदा। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे, मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंदा गोपाल। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 मेरो 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 मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंदा जय हो वाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे। बोले सुखदेव भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय जय श्री राधे।
सुखदेव भगवान का आगमन होता है। सुखदेव जी का पूजन किया राजा परीक्षित ने, और वो सोच रहा है कि कौन से पुण्य का फल है जो सुखदेव जैसे महापुरुष मेरे जीवन के अंतिम समय में प्राप्त हो गए। फिर राजा परीक्षित कहता है, पुण्य के फल से तो मिलते नहीं। बोले फिर? बोले तो भगवान कृष्ण की कृपा है हमारे परिवार पर, और उनकी कृपा से ही सुखदेव जी महाराज की प्राप्ति हुई है। भगवान कृष्ण को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं राजा परीक्षित, और सुखदेव जी से अपने जीवन का प्रश्न पूछते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यं अथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। महाराज, जिसकी मौत बहुत नज़दीक आ गई, अत्यंत नज़दीक मतलब 7 दिन जिसके जीवन के बचे, केवल 7 दिन, ऐसे व्यक्ति के जीवन का कर्तव्य क्या है? क्या स्मरण करे, क्या भजन करे, क्या पूजन करे, क्या ध्यान करे? राजा परीक्षित के कम से कम 7 दिन तो पक्के थे। हाँ, हमारी आपकी आयु बहुत होगी, जरूर होना भी चाहिए, लेकिन 1 दिन भी पक्का नहीं है। राजा परीक्षित को 7 दिन का तो कन्फर्मेशन हो गया कि 7 दिन के बीच में जाने वाले नहीं है, तो उन्होंने प्लानिंग कर ली 7 दिन में क्या क्या करना है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जिसकी आयु 7 दिन की बची है और 7 दिन का ही जीवन बचा है, उसका दुनिया का कोई कर्तव्य शेष नहीं है, व्यवहार का कोई कर्तव्य उसका शेष नहीं है। वो सुने तो भगवान का गुणानुवाद, भगवान की कथा, स्मरण करे तो भगवान का नाम, और चर्चा करे तो भगवान की कथा, अपने मन बुद्धि और कर्म को भगवान से जोड़ दे। और यही विलक्षण बात है, अंतिम समय में अगर हमारा मन भगवान की स्मृति में लग गया तो हमारे जीवन का कल्याण हो गया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की, अंत समय में भगवान की स्मृति आ जाए। और बड़ा कठिन होता है, प्रभु से जिनका लगाव है उन्हीं को अंत समय में भगवान की स्मृति आती है। नहीं तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। प्रभु का स्मरण, इसलिए किसी की जब अंतिम अवस्था हो तो शास्त्र में लिखा है, रोना चिल्लाना नहीं चाहिए, उसको अपनी याद दिलाना नहीं चाहिए, उसको भगवान की याद दिलाओ, भगवान का नाम सुनाओ, भगवान का कीर्तन सुनाओ, भगवत गीता का पाठ सुनाओ। अगर तुम्हारे उस प्रयास से उनको भगवान की स्मृति हो गई तो उनका जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। आज बता रही थी आदरणीय मनोरमा जी, गोविंद बाबू के समय में हरिओम करके उनकी बेटी ने कहा और उन्होंने आँखें खोली उसको सुन करके। तो अभिप्राय यही कर्तव्य है, आप अपनी याद तो जीवन भर दिलाते ही रहे, वो नहीं दिलाना चाहिए। और वही सुखदेव जी ने कहा, राजन अरे तुम्हारा तो अभी कम से कम 7 दिन बचा हुआ है। महाराज, खट्वांग का केवल एक मुहूर्त का समय बचा था, 48 मिनट बचे थे जब उनको पता लगा कि उनकी मौत आने वाली, और उन्होंने अपने मन को सब तरह से हटा करके भगवान में लगा दिया और भगवान के धाम को चले गए। 48 मिनट पहले पता लगा था, तुम्हारे जीवन के तो 7 दिन बचे। तो अब महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, हमारे आपके कल्याण के लिए पूछा होगा, आप जितनी सरलता से कह दिए कि भगवान में मन लगा दो काम हो जाएगा, कहना जितना सरल है लगाना उतना ही कठिन है। स्वस्थ प्रसन्न जीवन होता है तब नहीं लगता है, फिर अंतिम समय में तो मन बुद्धि व्यवस्थित नहीं होते, बड़ा कठिन है। जहाँ प्रेम होगा वहीं मन जाता है। बहुत लोग इसमें बैठे होंगे जिनका भगवान का ध्यान ठीक लगता होगा, और बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि माला जपते समय मन कहाँ कहाँ जाता है, जहाँ कभी नहीं जाता है उस समय माला जपते समय जरूर जाएगा। हाँ, वो फ्री रहता है, हाथ में माला रहती है, मुख में नाम रहता है,
और मन तो खाली रहता है, वो घूमता रहता है, कठिन काम है। राजा परीक्षित ने कहा, मन को भगवान में लगावें कैसे, ये आप कृपा करके बताइए। बड़ी सुंदर बातें हैं, हमारे आपके जीवन की बातें, हमारे आपके जीवन के प्रश्न है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अगर स्वाभाविक मन भगवान में नहीं लग रहा है, मतलब अभी भगवान से अटैचमेंट नहीं। सीधी बात। एक बार आदरणीय जी डी बिरला ने महाराज जी से पूछा था, भगवान में मन कैसे लगे। महाराज जी ने कहा कि जब व्यापार के लिए विदेश जाते हो तो बच्चों की याद आती है, बोले आती है। बोले वो माला लेके आती है कि कहीं भी आती है, बोले वो तो कहीं भी आती है, प्लेन में भी आती है, घर में भी आती है, ऑफिस में भी आती है। तो बोले बच्चों की याद बिना माला लिए कहीं भी आती है, और भगवान में मन माला लेकर के पूजा घर में बैठते हो तब भी नहीं लगता, मतलब बच्चों जितना प्रेम भी अभी भगवान के प्रति नहीं हुआ है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ मन बिना माला के जाता है, और जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ माला के साथ भी नहीं जाता है। और कई बार तो माला लेके लोग विश्राम में भी चले जाते कि नहीं, नींद आती है नहीं। तो इसलिए एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, महाराज रात को नींद नहीं आती जल्दी। मैंने कहा जबकि माला अलग रखो, एक माला और मंगा लो अलग से, और लेटे लेटे माला करना शुरू कर देना, अपने आप नींद आ जाएगी, बिना नींद की गोली खाइए। प्रैक्टिकल अनुभव की बात, आप करके देखना, जिसको नींद की समस्या हो, एक माला अलग से रख लो, भगवान का नाम जपते जपते लेट के जपना, और कब नींद आ जाएगी आपको अभी पता नहीं लगेगा। क्यों? एक्चुअली नींद की दवा करती क्या है, आपके मन को ठप करती है, विचारों को बंद कर देती है, विचारों को ठप कर देती है। जैसे माला में नींद आ जाती है या कथा में नींद आ जाती है, क्यों? क्योंकि जब उसमें रस नहीं आता, मान लीजिए कथा में बैठे और कथा में रस नहीं आया तो घर तो छूट गया, और कथा में रस नहीं आया तो कथा भी छूट गई, तो विचार ठप हो गए तो नींद आ जाती है। तो बात वही है, जो नींद की गोली काम करती है वही काम कथा करती है, वही काम। एक व्यक्ति थे बम्बई में, पूज्य राम किंकर जी महाराज की कथा में, प्रेमपुरी में, तो वो कथा 15 मिनट शुरू हुई नहीं कि वो खर्राटे की नींद सोते थे। अब वो खर्राटे भी सुनाई दे लोगों को तो थोड़ा ऑकवर्ड ही लगता था। और रामकिंकर जी महाराज एक दिन बोले कि कम से कम अभी से तो मत सो, अभी तो शुरू हुई है कथा। वो बोला, महाराज आपकी कथा में इतनी अच्छी नींद आती है कि हमको अपने कमरे में भी इतनी अच्छी नहीं आती। तो अब वो पंडित जी बोले कि उसका कारण वही है, क्योंकि अपने कमरे में तुम्हारे विचार चलते रहते हैं, यहाँ विचार ठप हो जाते हैं, घर वहाँ छूट गया, कथा यहाँ छूट गई, विचार ठप हो गया, नींद आ गई। तो अभिप्राय क्या है? तो माला करते समय अगर भगवान में ध्यान नहीं लगता, मतलब अभी उतना प्रेम नहीं है जितना बच्चों में भी नहीं, क्या करें? बोले फिर मन जाता कहाँ है, दूसरा प्रश्न है। अगर माला करते समय मन भगवान में नहीं लगता तो जाता कहाँ है? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दो जगह मन जाता है, या तो जिससे बहुत प्रेम होगा उधर जाएगा, या जिससे बहुत नफरत होगी वहाँ जाएगा, माने राग या द्वेष, रागास्पद या द्वेषास्पद, दोस्त या दुश्मन, दो ही जगह का ज़्यादा चिंतन होता है। तो सुखदेव जी महाराज तरीका बताते हैं, बोले क्या करें? बोले पहले बाहर की दोस्ती दुश्मनी को कम करो, ख़त्म तो नहीं होगी जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। कम कैसे करें? बोले दुनिया भगवान ने बनाई है ना, विराट भगवान का रूप है, विराट भगवान का हृदय धर्म है, और विराट भगवान की पीठ अधर्म है। माने जो अच्छे लोग हैं वो भगवान का हृदय है, और जो दुष्ट लोग हैं वो भगवान की पीठ है। आप जब लड्डू गोपाल को स्नान कराते हो, राधा कृष्ण को स्नान कराते हो, पोशाक पहनाते हो, तो पूरे विग्रह को करते हो कि खाली आगे आगे करते हो? पूरे को करते हो ना। लेकिन भगवान की पीठ जानते हो अधर्म है, भगवान का हृदय धर्म है। अभिप्राय अच्छे लोग मिले तो उनको भी प्रणाम कर लो, ये हमारे ठाकुर जी का हृदय है। और दुष्ट लोग दिखें तो उनसे नाता तो मत रखो व्यवहार में, लेकिन उनको भी ठाकुर जी की पीठ मान करके उनको भी प्रणाम कर लो। आपका मन का निर्माण होगा ना, आपका मन तनाव रहित होगा। हाँ, अरे आप चिढ़ते हो, आप जलते हो, उसको तो पता भी नहीं कि आप चिढ़ रहे हो, उससे नुकसान किसका हो रहा है? चिढ़ने जलने वाले का ही तो नुकसान होगा ना, जिससे तुम चिढ़ रहे हो उसको तो पता है कि नहीं, वो तो पता भी नहीं। हाँ,
तो इसलिए पहले बाहर की दोस्ती दुश्मनी कम करो, फिर धीरे धीरे हृदय में भगवान का ध्यान करो, और जब हृदय में ध्यान करो तो जीवंत ध्यान करो, लाइव ध्यान करो। भगवान की मूर्ति या चित्र का नहीं, आप भगवान के चरणों में बैठे हैं, भगवान आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान आपको अपनी लीला में शामिल कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करोगे तो भगवान का ध्यान लग जाएगा। ये ध्यान का तरीका है। और जब वो ध्यान लगने लग जाएगा ना, तब बड़ा आनंद आएगा। कभी ध्यान करते करते भगवान के वियोग में आंसू आएंगे, कभी उनके संयोग में रोमांच होगा, कभी कंठ रुक जाएगा, कभी व्यक्ति गाने लग जाएगा, कभी नाचने लग जाएगा, कभी चिल्लाने लग जाएगा। ये अष्ट सात्विक भाव विकार हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में होता था। ऐसा जब जीवन हो जाए, जब हृदय से भगवान के वियोग में आंसू निकलने लग जाएं, सोच लेना हृदय शुद्धि का क्रम प्रारंभ हो गया है। और जिन लोगों को आंसू आते हैं उनको इस बात का अनुभव है, दुनिया के किसी सुख में भी इतनी शांति नहीं मिलती जितना भगवान के लिए आंसू आने के बाद शांति मिलती है। जिनको आते हैं वो ही इस बात को समझ सकते हैं, पढ़ने सुनने से समझ में नहीं आएगा। भगवान के संयोग में तो सुख मिलता ही है, भगवान के वियोग अनुभव में भी एक शांति का अनुभव होता है जो दुनिया की कोई शांति वो अनुभव नहीं दे सकती। महाराज, वो संयोग वियोग की परंपरा चलते चलते हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्धि के बाद जब कोई गुरु मिल जाएगा, आपको भगवान का ज्ञान का उपदेश कर देगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा और आपका काम जीवन का बन जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित का काम तो हो गया, उत्तम श्रोता थे, जीवन में कोई मोह ममता थी नहीं, उनका काम बन गया। वो सोचे कि काम तो मेरा एक दिन में ही बन गया, लेकिन अभी 6 दिन क्या करूँगा, अब मैं तो भगवान के लिए ही घर छोड़ के आया हूँ। उन्होंने एक ऐसा प्रश्न कर दिया कि 6 दिन तक कथा चलती रहे। कथा सुनने के लिए, कथा बढ़ाने के लिए प्रश्न किया, जिज्ञासा उनकी वहीं पूर्ण हो गई। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये सृष्टि भगवान कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं और कैसे संहार करते हैं, ये सुनाइए। मैंने इतना बड़ा प्रश्न कर दिया कि 6 दिन कथा चले। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बड़े संक्षेप में सुनाना प्रारंभ करते हैं। राजन, परब्रह्म परमात्मा सृष्टि की आदि में अकेला था। अब अगर सृष्टि देख रही है, दुनिया दिख रही है, तो इसकी संगति हमको लगाना होगा। वेदांत तो कहता है कि ये दुनिया स्वप्नवत है, ना हुई है, ना आगे होगी, ना है। लेकिन भाई इतना कहने से काम तो नहीं चलेगा। जिसको ये दुनिया देख रही है, अच्छा बुरा दिख रहा है, दुख सुख हो रहा है, वो कह देगा तुम बोलते हो दुनिया है ही नहीं, तो ये सब क्या है, दुख सुख क्यों हो रहा है। एक बात बता दूं, जो वस्तु नहीं भी होती उससे भी दुख सुख होता है। अगर आप लोग ये तर्क देवें कि संसार अगर नहीं है तो दुख सुख क्यों हो रहा है, जानते हैं कभी कभी अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो सर्प का भ्रम हो जाता है कि सर्प पड़ा है, और जब भ्रम हो जाता है तो घबराहट होती है कि नहीं होती, भाई बोलो होती है कि नहीं होती, हाँ ना बोलो। अरे सर्प की बात छोड़ो, आजकल तो काकरोच से ही हो जाता है। बड़े बड़े घरों के बच्चों को देखा मैंने, पर्दे के पीछे छिपकली निकल जाए, बाथरूम में काकरोच निकल जाए, ऐसा हल्ला मचाते हैं जैसे प्रलय होने वाला है। तो महाराज वो सर्प अगर रस्सी में सर्प दिखाई देने लग जाए तो भय लगता है कि नहीं, घबराहट होती है कि नहीं होती, तो दुख हुआ। और जब टार्च लेके कोई दिखा देता है कि ये सर्प नहीं है रस्सी है, तब रिलैक्स अनुभव होता है कि नहीं होता है। तो सर्प तो वहां था ही नहीं, बिना हुए हुए सर्प ने दुख भी दिया और सर्प ना होने के ज्ञान ने सुख भी दिया। तो जो लोग कहते हैं कि जो वस्तु है नहीं वो दुख सुख कैसे दे सकती है, तो जैसे बिना हुए हुए सर्प भी दुख सुख दे सकता है, ऐसे बिना हुए हुए संसार भी दुख सुख दे सकता है। तो महाराज कैसे पता लगे ये दुनिया कैसे बनी, बोले परमात्मा अकेला था। परमात्मा ने महाराज अध्यारोप, अब मानना है कि दुनिया है तो अध्यारोप, परमात्मा ने कल्पना की। अकेले उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, माया को प्रेरित किया, प्रकृति में क्षोभ किया, प्रकृति से महत तत्व का जन्म हुआ। महत तत्व को ब्रह्मा भी बोलते हैं और समष्टि बुद्धि भी बोलते हैं।
महत्तत्व से अहंकार का जन्म हुआ, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। राजस अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, बुद्धि और प्राण। सात्विक अहंकार से दसों इंद्रियों के देवता और मन। मन जो है जन्मजात सात्विक है, सत्वगुणी है, विषयों के चक्कर में पड़ करके रजोगुणी और तमोगुणी हो जाता है, जन्मजात ये सात्विक है। ये सब तत्वों को भगवान की काल शक्ति ने जोड़ा, एक ब्रह्मांड गोल बन गया। ब्रह्मांड गोल में परमात्मा प्रवेश कर गया और उसमें विस्फोट किया। आज तो साइंटिस्ट भी सिद्धांत को मानता है, परमाणु में विस्फोट करने से बड़ी भारी शक्ति का प्राकट्य होता है। विस्फोट किया और उसके बाद विराट पुरुष का जन्म हुआ, जिसके हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों आँखें हैं, हजारों कान हैं, सहस्र शीर्ष पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद। बोलिए विराट भगवान की। विराट भगवान की नाभि से कमल हुआ, ऐसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ। दुनिया कैसे बनी ये हमारे सनातन पद्धति में, मनुष्य कैसे बना, कहाँ से आया। बोले कमल हुआ नाभि में और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ भगवान के संकल्प से। सबसे पहले सृष्टि में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लग गए कि मेरा जन्म देने वाला कौन। ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई नहीं मिला। आकाशवाणी हुई, तुम्हारे जन्म देने वाले का पता लगाना है तो तपस्या करो, तप तप तप। माने ब्रह्मा जी को भी अगर परमात्मा का अनुभव करना है तो तपस्या करनी होगी। हम भगवान को चाहें और कुछ नहीं करना पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है। व्यापार करने के लिए आप लोग कितनी तपस्या करते हैं, 8-8 घंटा 10-10 घंटा, अरे 10-10 नहीं 12-12 घंटा। क्यों भाई, कितना समय देते हो? 12 घंटा देते हो कम से कम, नहीं तो लक्ष्मी जी के लिए 12 घंटा, जरा लॉजिकली भी आप विचार करें, लक्ष्मी जी के लिए 12 घंटा और लक्ष्मी पति के लिए कितना समय देते हो? उनके जो पति देव हैं, जो लक्ष्मी के भी आराध्य हैं, उनके लिए 12 मिनट भी नहीं और लक्ष्मी जी के लिए 12 घंटा। तो लॉजिकली भी विचार किया जाए तो लक्ष्मी जी खुश होंगी कि नाराज होंगी? क्यों अभिषेक? बताओ, अगर लक्ष्मी जी को कोई 12 घंटा दे रहा है और लक्ष्मी पति को 12 मिनट भी नहीं दे रहा है तो लक्ष्मी पति नाराज होंगे कि खुश होंगे, और लक्ष्मी जी खुश होंगी कि नहीं होंगी? बताओ, हाँ ना तो बोलो, खुश होंगी नहीं होंगी? तो अब कल से लक्ष्मी पति को समय दोगे ना? हाँ ना बोलो, नहीं कथा बंद कर दूंगा। देंगे देंगे ना? कम से कम हमारे गुरु जी से एक व्यक्ति ने दीक्षा ली, गुजरात के सज्जन थे, और माँ के कहने से दीक्षा ली। माँ ने कहा भाई इतने बड़े महात्मा है तो दीक्षा तो ले ले, कुछ करना मत करना। वो आ गए, बोले हमको दीक्षा लेनी है। बोले तो मंत्र जप करोगे? बोले नहीं करूँगा, पहले बोल दिया। बोले फिर दीक्षा क्यों ले रहे हो? बोले माँ ने कहा इसलिए ले रहा हूँ, माँ की बात मैं टालता नहीं। गुरु जी बोले विलक्षण आदमी है, मंत्र लेने के पहले कह रहा नहीं मंत्र करूँगा, फिर दीक्षा क्यों ला रहा? बोले माँ ने कहा है। गुरु जी बोले तो अच्छा गुरु दक्षिणा तो देगा ना? बोले हाँ गुरु दक्षिणा दे दूंगा। वो सोचा कोई 5,000-10,000-11,000 रुपया गुरु जी बोलेंगे दे दूंगा। बोले हाँ गुरु दक्षिणा दे दूंगा। गुरु जी ने मंत्र दे दिया। बोले अब हमारी गुरु दक्षिणा? बोले बताइए क्या देना। गुरु जी ने कहा 24 घंटे में से 24 मिनट हमको गुरु दक्षिणा में दे दो। समझे अभिषेक? महात्मा लोग ऐसे फंसाते। बोले 24 घंटे में 24 मिनट गुरुदक्षिणा में हमको दे दो। अब वो सावधान हुआ, इंटेलिजेंट था, वो सोचा बाबा जी तो बड़े बुद्धिमान, अब क्या करें, कह दिया था दूंगा। बोले अच्छा ठीक है 24 मिनट आपको दिया, रोज 24 घंटे में से 24 मिनट गुरु जी को दे दिया गुरुदक्षिणा में। बोले अब वो 24 मिनट हमारे हो गए? बोले हाँ। बोले अब उसमें मैं जो कहूँगा वही तुमको करना होगा? बोले हाँ। तो बोले वो हमारे 24 मिनट में हमारे दिए हुए मंत्र का जप किया करो, उसमें माला किया करो। वो तो अब तुम्हारा नहीं रहा, अब वो तो मेरा समय हो गया। वो महाराज जप करने लग गया और आज इतना अच्छा भक्त है। आज भी वो है गुजरात में, अहमदाबाद के पास एक जगह है सुरेंद्र नगर, वहाँ। तो अभी प्राय क्या है, मैं कह रहा था लक्ष्मी जी के लिए इतना समय,
और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करती हैं, जिनका इशारा देखती हैं, नारायण के लिए कोई समय नहीं। कैसी हमारी बुद्धि है। और एक बात और कह दूं, अगर आप लोग नाराज ना हो, कह दूं, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है जानते हो? उल्लू। और लक्ष्मी नारायण का वाहन क्या है? गरुड़। तो जो लक्ष्मी नारायण दोनों की भक्ति करते हैं वो गरुड़ हैं, और जो खाली लक्ष्मी जी की भक्ति करते हैं वो मैं नहीं कहूंगा जो खाली लक्ष्मी जी की भक्ति करते हैं वो क्या है, आप ही समझ लो फिर। उल्लू का मतलब बेवकूफ होता है, ना समझ। अरे लक्ष्मी जी जिनसे मिलती हैं, जिनके पीछे चलती हैं, जिनके इशारे से चलती हैं, वो नारायण की हम भक्ति नहीं करते और लक्ष्मी जी के पीछे लगे। फिर कहते हैं लक्ष्मी जी आती नहीं, वो आएंगी कहाँ से? अपने पति के साथ रहेंगे कि आपके आएंगे? कैसे आएंगे? हाँ, तो इसलिए महाराज कहते हैं साधना, अगर ब्रह्मा जी को भी साधना करनी पड़ी नारायण की अनुभूति के लिए, तो हमको आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। साधना किया, उसके बाद महाराज नारायण प्रकट हुए। नारायण से ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप मेरे को सृष्टि बनाने का काम देने वाले हैं, मेरे को डर लगता है, इतनी बड़ी दुनिया बनाऊंगा तो बनाने का अभिमान ना आ जाए, बड़ा कठिन है। कोई बड़ा काम करे और ईगो ना आवे तो भगवान की बड़ी कृपा। इतनी बड़ी दुनिया बनाऊंगा, अभिमान आ जाएगा, ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि अभिमान ना आवे। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। यहीं पर ब्रह्मा जी को चार श्लोक में ज्ञान का उपदेश दिया। पहले भागवत चार श्लोक में ही थी, जब लोग चार श्लोक वाली नहीं समझे तो व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए। पहले केवल चार श्लोक में थी, जो चार श्लोक यहाँ पर हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत्परम् पश्चादहम् यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थम् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, ब्रह्मा अभिमान तो तब आता है ना जब कोई दूसरा दिखता है। जितने दोष हैं वो द्वैत में हैं, दूसरे के प्रति अभिमान, दूसरे के प्रति क्रोध, दूसरे के प्रति लोभ, दूसरे के प्रति मात्सर्य, दूसरे के प्रति जेलस, दूसरे के प्रति जितने दोष हैं, दूसरे के प्रति कामना, दूसरे के प्रति, जब तुमको ये अनुभव हो जाएगा कि एक तत्व ही सब रूप में विद्यमान है, तो कभी जीवन में कोई दोष नहीं आएगा। वही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान। तुम अनुभव करो, इस सृष्टि के पहले केवल मैं ही था, परमात्मा कहता है, भगवान विष्णु कहे, नारायण कहें, परमात्मा कहे। सृष्टि जब नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगा, तब केवल मैं ही रहूँगा। और ये नियम है, जो पहले होता है और जो पीछे होता है, बीच में भी केवल वही होता है। जैसे घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी, घड़ा टूटने के बाद मिट्टी रहेगी। जिस समय घड़ा बना हुआ है उस समय क्या है? नाम रूप घड़े का है, लेकिन वास्तव में मिट्टी ही मिट्टी है। ऐसे दुनिया बनने के पहले मैं था, दुनिया जब प्रलय हो जाएगी तब केवल मैं रहूँगा। जिस समय दुनिया बनी हुई है, उस सारी दुनिया के रूप में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा केवल मैं ही मैं हूँ, तो मेरे प्रति कभी तुम्हारा अभिमान होने वाला नहीं है। हाँ, इन सब के रूप में हमको अगर ठाकुर का दर्शन होने लग जाए, फिर कभी अभिमान होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा? निज प्रभु मैं देखहिं जगत, तो कही सन करहिं विरोध, किससे विरोध करेंगे? अपने ठाकुर का जब दर्शन सब जगह होने लग जाएगा, किससे अभिमान, किससे क्रोध, किससे मात्सर्य, किससे जेलस? और अगर करता है, कहना बहुत सरल है कि सब में भगवान है, कहना बहुत सरल है कि सब ब्रह्म है, लेकिन जीवन में क्या है? जीवन में अगर दोष विद्यमान है तो अभी अनुभव नहीं हुआ है, केवल सुना है, पढ़ा है। ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया, इस ज्ञान को धारण करना, जीवन में हमेशा सफल रहोगे और सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज सृष्टि के कार्य में लग जाते हैं। दूसरा स्कंद यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, प्रेम से बोलिए, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तो ये चार श्लोकों की भागवत थी पहले, जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई।
ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बना दिए कथाओं के माध्यम से हमारे आपके कल्याण के लिए। वो कथा प्रारंभ होती है 3 स्कंध से। ब्रह्मा जी को क्या काम दे दिया गया? सृष्टि बनाने का, दुनिया बनाने का। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया सबसे पहले ससर जाग्रे अंधता में श्रम अथता में समाधि कर। सबसे पहला संकल्प किया ब्रह्मा जी ने, जानते हो सबसे पहले क्या बना दुनिया में? 5 तरह का अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये सारी बातें बड़े सोचने समझने की है। अभी अभी भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया और ब्रह्मा जी ने पहली सृष्टि की तो अज्ञान बना। माने जब से दुनिया बनी है तब से ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ साथ चल रहे हैं और ये जब तक दुनिया रहेगी चलेंगे। आप कहेंगे एजुकेशन बहुत बढ़ जाएगी तो अज्ञान खत्म हो जाएगा? नहीं, एजुकेटेड होना अलग बात है और मैं हमेशा कहता हूँ IQ होना अलग बात है, समझदारी होना अलग बात है और एजुकेशन होना अलग बात है। कई बहुत पढ़े लिखे लोग भी बहुत ना समझ होते और कई बिना पढ़े लोग भी बहुत समझदार होते हैं। तो ज्ञान और अज्ञान सृष्टि में हमेशा चलेंगे, कभी कम ज़्यादा होगा। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद फिर संकल्प किया तो 4 महापुरुषों का जन्म हुआ, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये सृष्टि की पहली संतान ब्रह्मा जी के 4 बेटे शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्होंने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, पिताजी क्या आदेश? बोले बेटा सृष्टि बनाओ, अभी तो एक ही काम है, सृष्टि थी ही नहीं। सनकादियों को शुरू से ही सृष्टि में कोई रुचि नहीं थी, भगवान के भजन में आनंद आता था। उन्होंने विनम्रता के साथ पिताजी को मना कर दिया, पिताजी ये काम हमसे होने वाला नहीं है। हमारे गुरुजी बड़े विनोद में कहते थे, देखो ब्रह्मा जी की पहली 4 संतान ब्रह्मा जी की बात मानना स्वीकार किया या अस्वीकार कर दिया? क्या किया? अस्वीकार कर दिया, हमसे ये काम नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात माने तो सोच लेना ब्रह्मा जी से ज़्यादा अच्छे हो, और नहीं माने तो सोच लेना ब्रह्मा जी के बराबर हो। दुखी मत होना, चिल्लाना मत, रोना मत, ये सारी कथाएं हमको सिखाती है। अरे ब्रह्मा जी की पहली संतान है 4 महापुरुष, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। हमारे गुरु जी कभी कभी विनोद में कहते थे, बोले पहले हमने सोचा भगवान हमारी बात मानेंगे तो उन्होंने भी नहीं मानी, फिर हमने सोचा गुरु हमारी बात मानेंगे तो गुरु जी ने भी पूरी बात नहीं मानी, फिर बोले हमने सोचा चलो चेला बनाओ चेला तो मानेंगे, बोले चेलों ने भी नहीं मानी। हाँ पूरी बात चेलों ने भी नहीं मानी, बड़ा विनोद करते थे महाराज। और बात सच है, पूरी बात कोई किसी की नहीं मानता, भाई भाई की नहीं मानता, पति पत्नी की नहीं मानता, गुरु शिष्य एक दूसरे की पूरी बात नहीं मानते, बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। हमारे गुरु जी कहते थे जितने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं ना, 150 लोग हमेशा चलते रहते थे, बोले इन सबकी एक एक स्विच मेरे को मालूम है कि इसको टच करते ही ये भाग जाएगा, बोले उसको मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, उस स्विच को टच नहीं करता हूँ। हाँ माने वीक पॉइंट जिसको आप लोग बोलते हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, उसको टच करोगे उठ के चला जाएगा। तो हमको आपको क्या कुशलता रखनी चाहिए, वीक पॉइंट को कभी टच करना नहीं चाहिए। 80% अगर ठीक है तो सोच लो 100% ठीक है, 20% को अनदेखा करना सीखो अगर व्यवहार में सफल रहना है। अगर 100% अपने अनुसार चलाना चाहोगे तो दुनिया में अकेले हो जाओगे, कोई 100% तुम्हारे अनुसार चलने वाला नहीं है, चाहे परिवार का हो, चाहे कंपनी का हो, चाहे परमार्थ का हो, चाहे व्यवहार का हो।